नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ फोर्स एक्स ऑन अ थ्री ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री टी माइनस फोर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब वेयर एक्स इज इन मीटर टी इज इन सेकेंड्स द डन बाय हमें बताना है तो वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर सेकेंड्स और ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना इस सवाल को करने के दो तरीके होंगे uh, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ और उनमें से कौन सा बेस्ट है कौन सा आपको याद रखना चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि एक थ्री ग्राम का पार्टिकल है सो मासल टू थ्री इं टू टेन टू थी फॉर माइनस थ्री किलोग्राम दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है सो so, डिस्प्लेसमेंट हो गया थ्री टी माइनस फोर टी ने uh, डिस्प्लेसमेंट nee, है थ्री टी माइनस फोर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब यह आपका डिस्प्लेसमेंट है नाउ हमें बताना है वर्कडन क्या होएगा सो वर्कडन निकालने का तरीका होता है कि वर्कडन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स ये हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अब एफ़ निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स डैश जो कि वेलोसिटी होता है उससे आ जाएगा अपना थ्री माइनस एट टी प्लस थ्री टी स्क्वायर ये अपनी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इसी को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स डबल डैश तो अपना एक्सलेशन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी माइनस एट प्लस सिक्सटी और इसी को अगर हम फोर्स निकालना हो तो उसे हम एम ए कर सकते हैं सो so ये हो गया थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट प्लस सिक्सटी अब हमें इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के कह सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ का मतलब हो गया थ्री इंटू टेन टू पावर थ्री बाद में रख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय माइनस एट प्लस सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर माइनस थ्री ये तो आपका एम ए फोर्स आया मल्टीप्लाइड बाय इसके बाद हमें लिखना है डी एक्स डी एक्स है जो हमने एक बार डिफ्रेंश किया हुआ है so, सो इसको एक बार फिर यहाँ लिखेंगे सो दिस विल बी थ्री माइनस एट टी प्लस थ्री टी स्क्वायर डी टी ये आपके डी एक्स की वैल्यू हो गई तो एक तरीका तो ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एक लंबी चौड़ी टर्म आएगी उसको हम जीरो से फोर इंटीग्रेट करें ना इसको करने में ऑफकोर्स इससे आंसर आ जाएगा पर इसको करने में आपको टाइम कहीं ज़्यादा लग जाएगा इसकी वजह एक और चीज़ हम जो हमने पढ़ी है वो ये उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि डन विल बी इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी सो हमें बस ये पता करना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी क्या है उससे अपना आंसर आ जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास यानी कि थ्री इन टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वेलॉसिटी एट फोर का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर ये इनिशियल वो और फाइनल वेलोसिटी अपनी आ गई जो कि यहाँ से इस टर्म से आ सकती है उसमें एक बार जीरो की वैल्यू रख देंगे एक बार फाइव फोर की वैल्यू रख देंगे अपना आंसर आ जाएगा सो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री फोर पे वेलोसिटी जो आएगी अपनी uh, यहाँ निकाल लेते हैं सो वेलोसिटी ऑफ फोर यहाँ पे हमें फ़ोर की वैल्यू रखनी है सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री माइनस एट इंटू फोर विल बी इक्वल टू थर्टी टू प्लस थ्री टी स्क्वायर यानी कि फोर uh, का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री सो दिस विल भी इक्वल टू फोर्टी एट सो इसे एड करके नाइनटीन अपनी फाइनल वेलासिटी आ गई और इनिशियल वेलोसिटी होगी जब हमने इसमें जीरो की वैल्यू रख देनी है सो वैल्यू थ्री आ गई सो so आपका जो वर्क uh, डन हो गया सो दिस विल बी इक्वल टू नाइनटीन स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा एक और चीज़ है नाइन्टीन स्क्वायर uh, ये सब बच्चों को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको आना चाहिए पर जस्ट इन केस अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाएँ सो so 19 का स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस वन का स्क्वायर बचपन में आपको ये टर्म इसीलिए पढ़ाई गई थी क्या आप इसको 19 का स्क्वायर लिखना हो तो a माइनस बी के स्क्वायर का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस वन माइनस टू इंटू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन सो ये हो गया फोर हंड्रेड प्लस वन माइनस ये हो गया आपका फोर्टी सो वैल्यू थ्री सिक्सटी वन आ गई ये वैल्यू मैं एक्सपेक्ट करूंगा सबको आनी चाहिए पर एग्जाम हॉल में ऐसे कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर आप भूल जाएँ तो सो ये होगा थ्री सिक्सटी वन माइनस नाइन सो दिस विल बी जो अपनी फाइनल टर्म बची हाफ मल्टीप्लाइड बाई थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो थ्री सिक्सटी वन माइनस नाइन ये थ्री सिक्सटी वन माइनस नाइन करके uh, अपना आ जाएगा थ्री फिफ्टी टू राइट right? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो so इसको पहले आप टू से डिवाइड कर लें फिर थ्री से मल्टीप्लाई कर लें सो so आपका जो वर्क डन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फाइव ट्वेंटी एट टेन टू द पावर माइनस थ्री उसको हम लिख सकते हैं इतना मिली जूल सो दिस विल बी द फाइनल आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर